सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को और नमस्कार विनय जी। विनय जी, आप हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं, आप एक योग गुरु हैं। मैं लोगों को पहले बताना चाहूंगी, जिस तरीके से महामारी चल रही है, लोगों का आना जाना कम हो गया है, लेकिन मैं यह चाहती हूँ कि लोगों के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम आपके साथ जुड़े हैं ताकि आप लोगों को अपने से कनेक्ट करके योगा आसन किस तरीके से घर पर बैठ के कर सकते हैं ये चीजें बताएं। सर, सबसे पहले तो आपको पता है महामारी चल रही है, लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, उनसे जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके के योगा आसन आप अपने तरीके से बताइए कि कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज जो लोग घर बैठे कर सकें, उनको दिक्कतें ना आए, तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो एक्सरसाइजेस कर सके, तो कुछ आप हमें करके दिखाइए ताकि लोग घर बैठे उसे कर सके, उसे दोहरा सके और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। सबसे पहले हमारा सामने इम्यूनिटी लोगों को यही नहीं पता है अगर नहीं करा जाए तो ये होता है रोग अपने शरीर के अंदर हम कितने बैक्टीरिया को रोक सकते हैं। अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया जाता है तो हमारा शरीर कितना पावरफुल है उन बैक्टीरिया को मारने के लिए। कुछ लोगों में होता है वो इस चीज को कर पाते हैं, कुछ कुछ ऐसे बीमार हो जाते हैं। तो अगर जिनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है अगर वो घट गई है तो हम उसको कुछ पता लगा सकते हैं। भाई आप उसमें विटामिन बी ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, तरल पदार्थ ले सकते हैं, विटामिन सी जो है वो आपको क्षमता खा सकते हैं, आप छोटी एक्सरसाइजेस से शुरू करते हैं सर। नॉर्मल जो इनिशियल एक्सरसाइज होती है पहले आप उससे शुरू कीजिए, क्योंकि हार्ड एक्सरसाइजेस जो है वो लोग अभी कर नहीं पाएंगे, तो आप शुरुआती तौर पर इस्तेमाल शुरुआती तौर पर आप स्टार्ट कीजिए ताकि लोग घर बैठे कर सकें। अगर हम सरल में देखा जाए तो सबसे पहले हम करेंगे भुजंगा। भुजंगा करने हम आसन ले जाएंगे। ये जो आप आसन कर रहे हैं ये भुजंगासन है। ये भुजंगा जी, फिर हम पैर मार्च कर दें पूरे होंगे और ये कितने देर तक कर सकते हैं सर इसे? जो लोग शुरुआत तौर पर जो लोग शुरुआती तौर पर योगा कर रहे हैं, जिनको इतना इतनी आदत नहीं है, तो वो कितने समय तक इसे कर सकते हैं, कितने टाइम्स इसे कर सकते हैं? ठीक है, उनके लिए है जो अपने घर से कर सकते हैं, कर सकते हैं उनके लिए। इस आसन का नाम क्या है सर? धनुरासन। धनुरासन, ठीक। धनुरासन, धनुरासन। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको भी नहीं लोग कर सकते बिना लोग करने के, ठीक है? फिर आप बैठ के करेंगे बैठ के करेंगे
दो हाथों को पीछे से इंटरलॉक करेंगे और आगे दिखाएंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सर जो भी आप आसन बता रहे हैं क्या ये सभी आसन कारगर है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए? ठीक है ठीक है, इम्यूनिटी और ब्लैक फंगस। अब जो कर सकते हैं दिमाग सपोर्ट सपोर्ट को कर सकते हैं, अगर जो सपोर्ट किया होगा हाथ लगाइए ये लगेगी, ये सारा इसके फील हो गया टाइम टाइम करेंगे और सत्तरी रोकेंगे। फिर एक आसन आता है, एक आसन आता है आपका वो कराना आता है, दोनों तरह को खाइए सर्वांगासन और यहाँ से खा जी, फिर यहाँ से यहाँ सपोर्ट लगाएंगे दोनों तरह को ऊपर कर देंगे इसको, यहाँ रोकेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको आराम से नीचे लाएंगे वापस और धीरे ले जाएंगे। फिर आपको पेट की समस्या है कब्जी है और ये इम्यूनिटी है तो फिर एक आदमी का आसन इसी में आता है, ये जो दोनों पैर है ना ऊपर खींचने वाली ये दोनों पैर खींचने के लिए पेट से संबंधित परेशानियों के लिए जो आप बता रहे हैं ये योगा आसन पेट से संबंधित परेशानी के लिए, इसका नाम है हलासन। ये दोनों पैर ऊपर खींचे, हाँ ये दोनों पैर खींचे तो ये दोनों हाथ में ये खींचे हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आता है आपका पवन मुक्तासन जिसको गैस की है तो यहाँ से ये दोनों पैर दोनों हाथ पर हैंड डेवलप करेंगे तो यहाँ से इसको हाँ रखेंगे होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको भी आप 10 टाइम कर सकते हैं बिना जोर करके, कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी जोर से नहीं जा पा रहे वो अपने पेट से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये जो आता है जिसको अपनी ये मतलब ठीक करनी है पेट का जो आपकी बोलियां बढ़ियां होती है हमारी बॉडी के अंदर ये अगर आराम से आएंगे वापस ज्ञापन थोड़ा अगर आप सावधानी से करोगे तो हो जाएगा। इसको डीप खींचना है और डीप ही छोड़ना है, अगर आप केवल बोर्ड में ठीक करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक जगह दोनों साथ लेते हैं इसमें जैसे कि सांस से संबंधित परेशानी हो सर, सांस से संबंधित परेशानी हो उसके लिए कौन से योगा आसन किए जा सकते हैं? अगर आपको सांस की समस्या है तो ये आपको किसी प्रकार
जीवी प्रणाली में क्या होगा कि आपकी जो जीव है वो इस प्रकार से होगी, तोड़ कर लेंगे इसको, जीव को स्टोर करके आपको मेरा अंदर और टुकड़ी छोड़ना है जी। तो क्या है कि आपको जब अंदर अंदर पहुंचेगी तो सांस को डाउन कर दिया, ऑक्सीजन का बड़ा प्रॉब्लम है, और जिसको भी और के सांस के लिए प्रॉब्लम ये है कि यदि आपको डाउन सांस की प्रॉब्लम हो ऑक्सीजन लेने का भी अभी हमारे लिए के अलावा आपको कर दिया तो ये आपको जैसे कि विनय जी आपने योगा आसन हमें बताए, जहाँ तक कि मैंने देखा है अपने अनुसार जितने योगा ट्रेनर्स जो थे या जो लोग योगा करते थे उनमें से कुछ लोगों को भी कोरोना वायरस संक्रमित हुए हैं कोरोना वायरस से, तो क्या सिर्फ योगा ही एकमात्र सॉल्यूशन है इसका, या फिर योगा आसन के साथ कुछ ऐसा खाया जाए, ऐसा क्या किया जाए, क्या ऐड किया जाए ताकि हम स्वस्थ रहें? देखो ये बीमारी की तरीका है, ये आपको भी लग सकते मतलब जैसे कि जो योगा आसन शुरुआत से कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अगर वो संक्रमित हो भी गए तो वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं। जैसे कि जो योगा आसन कर रहे हैं डेली बेसिस में, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अच्छा खाना पीना ले रहे हैं, अगर वो संक्रमित हो भी गए तो वो इससे बच सकते हैं, वो रिकवर जल्दी हो सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो होने के बारे में 90% आपके चांस बहुत कम है, और करते रहेंगे तो फिर आपकी बॉडी जब इम्प्रूव करती रहेगी, मूव करती रहेगी, तो फिर जी ये बात है जैसे बैठे सोचो कि उसमें कौन सही होगा नहीं होगा तो बातें हो जाएगा। विनय जी आपने हमें जो छोटी मोटी एक्सरसाइजेस बताई जो लोग घर बैठ के कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय सबके लिए बहुत कीमती होता है, और मैं चाहूंगी कि हम इसे अपने चैनल पे लाइव करें और ताकि लोग इसे देखें और सीखें और घर बैठे छोटी एक्सरसाइजेस कर सके, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकते, अपने पेट संबंधित रोगों को अच्छा रख सके। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मतलब यही कहना चाहूंगा कि अपने घर में स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और योगा करते रहे,
और इससे आप अपने परिवार को बीमार भी नहीं जाएगी, मिलना भी नहीं जाएगा, बने रहना थोड़ी बीमार भी जाएगी, आराम करा रहे हैं काम भी नहीं लगेगा हुआ, तो अपने घर में रहने की उसी तरीके जितना हो सके अपने आप को स्वस्थ रखें और मेहनत नहीं करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेशन लाइव हमेशा से ही ऐसे योगा ट्रेनर्स आपके साथ लाता रहेगा ताकि आप इन्हें देखकर कुछ सीखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार।